हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का दीप टेक यूट्यूब चैनल में। गाइस, आपको इस चैनल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगी, तो अभी से ही दीप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डाटा ऑन होने पर भी नया इंटरनेट जो है वो हमारा नहीं चलता, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या किस चीज़ों के थ्रू हम इसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने इंटरनेट को ऑन कीजिए, ऑफ़ कीजिए, जो भी करना है कीजिए। उसके बाद आपको अपने डिवाइस को रिबूट या फिर रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने से जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो सही हो जाती है। तो गाइज़, अगर इससे आपका इंटरनेट चल जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर उसके बाद आपको आना है सेटिंग में। तो सेटिंग में आइए। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइज़, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जिस भी सिम में आप इंटरनेट चलाते हो वो सिम आपका हमेशा सिम स्लॉट वन में होना चाहिए। उसके कई सारे रीजन है गाइज़, उससे आपका जो इंटरनेट है वो अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर गाइज़, अभी मैं सिम टू ओए एक बार ओपन कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, तो गाइज़ अगर आप इसका चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो उसके बाद आपको देखना है जिस भी सिम में आपने इंटरनेट डलवाया हुआ है, चाहे वो सिम फर्स्ट हो या सिम सेकंड, तो उसके बाद गाइज़ आपको एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है मोबाइल डाटा में आकर कि आपका आपने जिस भी इंटरनेट जिस भी सिम में इंटरनेट डलवाया हुआ है उसी सिम पर यहाँ पर क्लिक होना चाहिए। तो इससे आपका जो इंटरनेट है वो हो जाएगा, चल जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है जब हम सिम टू में इंटरनेट डलवाते हैं तो यहाँ पे सिम फर्स्ट क्लिक होता है, इस वजह से हमारा इंटरनेट नहीं चलता है। तो यहाँ पे गाइज़ आपको वही वाला सिम सेलेक्ट करना है जिसमें आपका आपने इंटरनेट डलवाया हुआ है और जिसमें आप इंटरनेट चलाना चाहते हो। तो गाइज़ इतना आपको काम करना है। अगर इससे आपका इंटरनेट चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो फिर एक ऑप्शन और आता है गाइज़, जैसे अब आपको वो वाला सिम ओपन करना है जिसमें भी आपको इंटरनेट चलाना है, तो सबसे लास्ट में आप यहां पे देखोगे कैरियर नेटवर्क का एक ऑप्शन होता है, ये आपका हमेशा ऑटो पे होना चाहिए। ऑटो पे होने का बेनिफिट ये भी ये होगा गाइस, अगर आपके एरिया में या फिर आप कहीं भी आते जाते हो नेटवर्क थोड़ा वीक हो जाता है, तो ये जो मोबाइल होता है गाइस, ऑटोमेटिक आपका जो बेस्ट नेटवर्क होगा उसको ऑटो पे सेलेक्ट कर लेगा, जिससे कि आपका इंटरनेट हमेशा चलता रहेगा और ऑन भी रहेगा, अच्छी स्पीड भी मिलेगी। तो गाइज़, अगर इससे भी आपका इंटरनेट चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, एक्सेस पॉइंट नेम का। तो एक्सेस पॉइंट नेम में आपको आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो होता है डिफ़ॉल्ट एपन, इससे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। आपको प्लस के आइकन पर आना है गाइज़, तो प्लस के आइकन पर आने के बाद क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा, तो इसमें आपको यहाँ पर एपन डालना है। APN जो भी मैं बताऊंगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है इंटरनेट स्पेस 4G, तो ये आप लिख लीजिएगा। APN में आएंगे तो APN में जियो वालों को यहाँ पे लिखना है जियो नेट, और जिनके पास एयरटेल है उनको लिखना है एयरटेल GPRS.com, और जिनके पास गैस वोडाफोन है तो वोडाफोन वाले लिख लेंगे यहाँ पे www। आइडिया वाले यहाँ पे स्मॉल में लिख लेंगे इंटरनेट, और BSNL वाले यहाँ पे लिखेंगे BSNL नेट। अब गाइस बचता कौन सा है, वी वाले भी यहाँ पे www लिख लेंगे। इसके बाद जो भी आपके पास सिम होगा वो मैंने आपको बता दिया क्या लिखना है, तो जिनके पास जियो है वो यहाँ पे जियो नेट लिख के इसको सेव कर देंगे। इसके बाद प्रॉक्सी पोर्ट आएगा, नो सेट रहेगा, इंटरनेट पर आएंगे तो इंटरनेट में आपको इंटरनेट स्पेस 4G ये आपको इसमें लिखना है। इसके बाद पासवर्ड नो सेट करेगा, सर्वर पे आपको यहाँ पे गूगल का सर्वर देना है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है, ओके करना है। MMSC, MMS प्रोक्सी, MMS पोर्ट, ये तीनों आपके नो सेट रहेगा। MCC, MNC आपका सेम टू सेम रहेगा जो भी आपके फ़ोन में होगा। ऑथेंटिकेशन टाइप पे आपको टैप करना है और यहाँ पे लास्ट वाले पे क्लिक करना है, PAPOCHAP पे। इसके बाद APN टाइप आता है, तो APN टाइप में आपको सिंपली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखना है और साथ में कॉमा लगाना है, फिर लिख देना है SUPL, ओके करना है। इसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल, तो इस पर आपको क्लिक करना है, लास्ट वाले पे क्लिक करना है IPv4/IPv6 पे,
और एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है जो कि सबसे लास्ट में है। इसके बाद आता है गाइस बेगार जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको अनस्पेसिफाइड पे आपको टिक मिलेगा, उसको हटाइएगा। हटाने के बाद LT आपको सेलेक्ट करना है, ओनली LT। ये करने के बाद बैक आना है, इस एपीएन सेटिंग को सेव करना है। सेव करने के बाद गाइस आपको इस वाले एपीएन पे क्लिक करना है। तो इस दौरान जो है आपका इंटरनेट अगर चल भी रहा होगा तो वो कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाएगा, फिर दोबारा से ओपन हो जाएगा। इतना काम करने के बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना, अब आपका इंटरनेट जो है 100% चलेगा और वो भी हाई स्पीड के साथ में। ये करने के बाद बस गाइस एक लास्ट काम बचता है, आपको अपने डिवाइस को रिस्टार्ट या फिर स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। बस इतना ही आपको काम करना है। आई थिंक गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर, बाय।